नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अनरेड में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। युवा जागृति वाहन रैली इंदौर पहुंची, 18 फरवरी को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में होगा समापन। खेतिया में सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर, कई मांगों को लेकर 3 दिनों से हड़ताल जारी। जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया धरना, किसान आंदोलन के समर्थन में दिया धरना, कृषि कानून वापस लेने की मांग। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, देश का बड़ा टीकाकरण अभियान ट्रैक पर। ग्यारह जनवरी से निकली युवा जागृति वाहन रैली सोमवार को इंदौर पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल और सैकड़ों लोग वाहन रैली में शामिल हुए। इस यात्रा का समापन 18 फरवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाएगा। बता दें, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस पुनित कार्य से जोड़ा जाए और साथ ही सहयोग निधि से भी जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में यह कहा जाए कि राम मंदिर निर्माण में हमारा भी सहयोग रहा है। युवा जागृति रैली के आयोजक रत्नेश पांडे ने बताया कि इस रैली का समापन 18 फरवरी को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में होगा। इस पूरी रैली के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। जय श्री राम। ये यात्रा, युवा जागृति यात्रा, ये यात्रा हर्ष की है, ये यात्रा खुशी की है, ये यात्रा उत्साह की है, ये यात्रा युवाओं के लिए है। ये यात्रा एक लंबे समय के तप त्याग बलिदान के बाद आज जो पुनीत अवसर आज के युवा को देखने के लिए मिल रहा है, ये इसलिए है कि कैसे आज का युवा बढ़ चढ़ कर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करे कि इस भव्य राम मंदिर में अपना योगदान दे सके। राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण की जो एक भावना है, ये कैसे वसुधैव कुटुंबकम को लेके जो एक पूरा प्रयास है, उसका नाम ये युवा जागृति यात्रा, यूथ फॉर राम है। इस यात्रा के संयोजक श्री नंदा जी ढिंडोटिया, आदरणीय नितिन जी पाटीदार हैं, और प्रयास है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को इस पुनीत कार्य से तन मन धन सर्वस्व समर्पण भाव से हम इसमें जोड़ सकें। आप आज के जो युवा हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे इस राम जन्मभूमि के जो मंदिर बन रहा है हमारा, उसके लिए? ये जो संदेश है, ये बहुत सीधा सा संदेश है, साफ सा संदेश है। यदि आप देखें, देश में न जाने कितने उद्योगपति हैं जो हाथ फैलाए लालायित खड़े हैं कि यदि उन्हें एक मौका मिल जाए तो अकेले ही मंदिर बना दें, लेकिन कहने के लिए आने वाले समय पे होगा ये मेरा व्यक्तिगत मंदिर है या ये आपका मंदिर है। लेकिन देश के धर्मगुरुओं ने, सबने मिलके जो ये प्रयास किया कि हर व्यक्ति, हर हिंदू, ना केवल आज से 5 साल, 10 साल, 50 साल, 500 साल, 5000 साल बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो गर्व से कह सकें कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था 2021 में, निधि समर्पण महाअभियान चल रहा था, उस समय मेरे पूर्वजों ने 10 रुपये का योगदान दिया था। उस एक संदेश को युवा तक पहुंचाना, वो गर्व के भाव के साथ, हिंदी होने पे आपको गर्व होना चाहिए, हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए, इस भाव का नाम युवा जागृति यात्रा है जो युवाओं के बीच आज यहाँ पहुंची है। खेतिया में सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी समितियों पर ताले जड़े हुए हैं, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें, कर्मचारियों की मुख्य मांगों में उनके समस्त कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करना है। इसके साथ ही अन्य कई मांगे हैं जिसको लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर कर्मचारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर के 55,000 कर्मचारी राजधानी भोपाल में 18 फरवरी को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे, और साथ ही 19 फरवरी को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हमारे जो महासंघ भोपाल के द्वारा आह्वान करने पर मध्य प्रदेश के सभी सहकारी कर्मचारी, उनके बैनर तले सभी कर्मचारी के द्वारा हड़ताल की गई है, जिसमें सहकारी समिति के सभी छोटे से छोटा कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा पीडीएस दुकान वाले भी पूर्ण रूप से अपना दुकान बंद करके समर्थन के लिए तैयार है। इसी के साथ में सस्तक पूर्ण रूप से बंद है, जो कलमबद्ध हड़ताल है। लगातार पिछले 2 महीनों से किसान पूरे देश में हो रहे कृषि कानून को वापस लेने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही पदाधिकारी किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं।
अब इसी कड़ी में सोमवार को ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस महिला अध्यक्ष रुचि ठाकुर गुप्ता सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार निरंतर संघर्षरत है और आज किसानों की मांगों के समर्थन में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारी पुरजोर मांग है कि केंद्र की जो सरकार वो हठधर्मी छोड़े। आज देख रहे हैं कि लगभग 70 दिवस के करीब लगभग किसानों को धरना देते हुए हो गए और लगभग 100 किसानों से भी अधिक हमारी किसान भाइयों की जान चली गई और केंद्र सरकार हठधर्मी पर उतारी है। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ थी है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के साथ थी है और रहेगी और हम सब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ा है। हमारी पुरजोर मांग है कि तत्काल किसानों के समर्थन में काले कानून केंद्र सरकार वापस। इंदौर पुलिस के मुस्कान अभियान के तहत लापता बालक बालिकाओं की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सर बच्ची को तब्दील क्या मामला हुआ है? ये ऑपरेशन मुस्कान के तहत बबरपुरा पुलिस की टीम द्वारा 5 नाबालिग बच्चों को मालेगांव, एक को खरगोन से, दूसरे को धार से, एक छतरपुर से और एक शंकर से 5 बच्चों की तलाश करके उनके माता पिता पालकों को सुपुर्द किए हैं। बच्चे कहाँ नाबालिग थी? हाँ, बच्चे नाबालिग हैं, सभी नाबालिग हैं। ये अपने घर से चली गई थी किसी कारण से, कोई गुस्सा हो गया, कोई कैसे भी, तो इनको लाके और उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। कोई महिला पुतला के भी लगे नहीं? ऐसा कोई केस नहीं। सर, ये सभी बच्चे कितनी लगभग कितने साल तक अलग रही अपने माँ बाप से? नहीं, अब ये प्रकरण जो है 18 से लेकर 20 तक के बीच के हैं, 2 साल करीब। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1200 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसके चलते एक दिन में हम 1,00,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों के होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर मंत्री सारंग बोले कि कांग्रेस में प्रशिक्षण केवल भ्रष्टाचार करने का दे सकते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके फ्रंटलाइन वर्कर की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। हमारी व्यवस्थाएं एकदम चोक शोबंद है। मध्य प्रदेश के लगभग 1200 स्थानों पर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम 1,20,000 हमारे हितग्राहियों को एक दिन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पहले चरण में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आया है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्न। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।